जय माता की। दोस्तों, मैं आपका इंजीनियर शर्मा एक बार फिर आपके लिए अपनी नई वीडियो लेकर आया हूँ। मेरी इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काला जादू क्या होता है और इसका क्या क्या रहस्य है। काला जादू पारंपरिक रूप से प्राकृतिक शक्तियों अथवा दुष्ट शक्तियों की सहायता से अपने स्वार्थी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए किए जाने वाला जादू है। काला जादू एक ऐसी बुरी शक्ति या बुरी ऊर्जा या किसी पर बुरा प्रभाव डालती है जो एक प्रकार से नकारात्मक दृष्टि है, और इस नकारात्मक दृष्टि से बचाने के लिए वास्तुशास्त्र में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रावधान है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सकारात्मक ऊर्जा काला जादू और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव काम करती है। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए वास्तुशास्त्र में कई प्रकार के प्रावधान भी अंकित हैं। जैसे उदाहरण के लिए भी किसी भी प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर की छत या छज्जे पर उत्तर पूर्व दिशा में 5 तुलसी के पौधे लगाना चाहिए। अगर 5 नहीं लगा सकते तो कम से कम 1 तुलसी का पौधा इस दिशा में जरूर लगाएं। इससे घर में आने वाले नकारात्मक भाव में कमी आती है। वास्तु विज्ञान और वास्तु शास्त्र में विस्तार से बताया गया है कि बाहर से आने वाले घर में लोग कई बार नकारात्मक ऊर्जा को अपने संग लेकर आते हैं, और वास्तु विज्ञान के आधार पर जिनके घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी का पौधा होता है उनके घर में इस तरह के नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता। अब मैं आपको बताता हूँ 7 बातें काला जादू के बारे में। वर्तमान समय में काला जादू करने वाले अब दुनिया में नहीं बचे हैं। इस तरह की तांत्रिक क्रियाओं का मूल जनक स्थान कभी कामाख्या आसाम था। यह से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राचीन नवग्रह का मंदिर है जहाँ 9 ग्रह शिवलिंग के रूप में स्थित हैं, जिन्हें स्वयंभू बताया जाता है। तंत्र में कभी उच्चाटन, मारन, चेतक विद्या, यक्षिणी, करण पिशाचनी, ब्रह्मजाल, इंद्रजाल आदि मारण शक्तियों का बोलबाला था। अब इसके ज्यादातर जानकर अब उपलब्ध नहीं है। काला जादू के अंतर्गत परिवर्तन, बहाली, भ्रम, बुद्धि विनाश, दूर भेजना, बज निकलने, उत्तोलन, भेदन, भविष्यवाणी आदि कार्य होते हैं। बहुत से लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है, मेरी दुकान या कारोबार को बांध दिया है, फिर प्रसन्न है कि लोग काला जादू कर सकते हैं। संसार में यह सब संभव है। यदि ऊर्जा एनर्जी का सकारात्मक उपयोग है तो ऐसे ही नकारात्मक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। चारों वेदों में एक अर्थवेद सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं के इस्तेमाल को ही समर्पित है। वैसे ये सब बातें जादू टोना आदि चीजें दिमाग रूप से पैदा की गई हैं या मनोवैज्ञानिक, पर ये बातें जरूर होती हैं और इसका असर जरूर होता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरी नई नई वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।